सागर जिले के राहतगढ़ पुलिस चौकी बस स्टैंड पर भारतीय युवक कांग्रेस के आह्वान पर युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष कपिल अहिरवार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस युवक कांग्रेस ने मनाया। राहतगढ़ बस स्टैंड पर युवक कांग्रेस सहित बेरोजगार युवाओं ने दुकानों पर घूम घूम कर भीख मांगी, साथ ही ढोल बाजे नारों तत्वों के साथ राहतगढ़ बस स्टैंड से होते हुए चौधरी गैस एजेंसी तक जुलूस निकाला गया। जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मोंटी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन मोदी सरकार की गलत नीतियां, नोटबंदी, GST और कोरोना के लॉकडाउन के आज देश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। आज अर्थव्यवस्था की विकास दर में 23.9 की गिरावट आई है। इस अवसर पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम रखा गया आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और मैं युवक कांग्रेस और सारे देश के युवा साथियों की ओर से उन्हें जन्मदिवस की बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आज ये देश का युवा आज बेरोजगार, आप जो मंचों से बड़ी बड़ी भाषा में बात करते थे कि मैं हर वर्ष हर युवा को 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराऊंगा, लेकिन आज मोदी जी, आज ये युवा भीख मांगने पे उतारू हो गया है और अपनी डिग्रियां लेकर आज कहीं पकौड़े तलने पर मजबूर हो गया है। मोदी जी, वह बड़े बड़े वादे आज पूछना चाह रहा है आपसे युवा कि वह रोजगार कहाँ है। चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, आपके जो भी फैसले रहते हैं सारे जनता के खिलाफ होते हैं। आज महिलाएं परेशान हैं, आज अन्नदाता परेशान हैं, लेकिन मोदी जी, आप केवल बैठे हुए केवल मोर का नाच देख रहे हैं और आज यहाँ का अन्नदाता परेशान है। कार्यक्रम रहा आज मोदी जी का 70वां जन्मदिवस है। 2014 से 2020 तक अभी लगातार उनकी सरकार है। प्रदेश में विगत 15 वर्ष तक शिवराज सिंह की सरकार रही, अभी 6 महीने 7 महीने से फिर से शिवराज सिंह की सरकार है। और कोरोना वायरस रहा, इसमें केंद्र द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, वो ना किसी दुकानदारों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, पान वालों को, हाथ ठेला वालों को, मोचियों को, होटलों को, छोटे छोटे दुकानों, कहीं उस पैकेज का मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ चला गया। और आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश की तरह या पूरे भारत देश में कि आज बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। बेरोजगारी की बात, रोजगार देने की बात मोदी जी करते नहीं हैं और बस जन्मदिन में आज 70वां जन्मदिन मनाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज उनके केक के लिए पूरे शहर में जाके वरिष्ठ कांग्रेस के लोग, एवं कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाके उनके केक के लिए भीख मांगी और रोजगार देने की बात रखी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।